आपको दिखा रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, आपको बता रहा है कुंडा से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर गुलशन यादव जो कि सपा से प्रत्याशी है उन पर हमले की बात की जा रही है। क्या है, पूरा एम्बियंस के साथ चलाइए सर, पहले एम्बियंस के साथ। फोर्स है कि दुनिया भर की, अभी फोर्स आ रही, बता राकेश वासी जो जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, वायरल करो, उनको मारा गया है, नंबरदार ने खुद मारा है। ये मोहित भाई वीडियो यहाँ पे राजा भैया खुद आके उठा के ले गए, मारे थे। इतनी बड़ी दबंगई, यहाँ पे दबंगई चल रही है, रैयापुर बोर्ड पे दबंगई चल रही है। बंद करो, 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 बंद करो। अरे चलो यार, वहाँ पहले बराबर रखो यार, तुम लोग के पीछे लगे। ये आपको बता दें कि कुंडा में आरोप लगाया जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के लोग सपा के लोगों को और बाकी आम लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ये आरोप कितना सच कितना झूठ, इसकी तफ्तीश करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ गुलशन यादव जो कि प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उनको भी फोन पर लेने का भरपूर प्रयास करिए। सबसे पहले हमारे संवाददाता अगर हो तो उनको लीजिएगा जरा। तो प्रतापगढ़ से सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्येंद्र को लीजिएगा जरा। सत्येंद्र जी, ये क्या तस्वीरें हैं, लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं भैया के लोग। जी सर, जो है दो पहाड़पुर अविनाश यादव के ऊपर और एंटी में गुलशन को जो है सर हमने की बात जो है ये आ रही है, और एक सर वीडियो भी हमने दिया है आपको, तो उसमें भी एक दो जगह जो है विरोध हो रहा है वोट डालने का। तो प्रशासन क्या कर रहा है, बूथ के अंदर तो सर लगे हुए हैं, बाहर बाहर तो सर जो विवाद होंगे उसके लिए प्रशासन सर क्या करेगा। आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरीके के एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो लोग वहां पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या वोट नहीं डालने दे रहे हैं जैसा कि आरोप है। जी सर, जी सर। तो ये कितना, आप तो वहां मौके पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है वहां पर? बूथों तक सर सुरक्षा है जो है रास्ते में, और बाहर सुरक्षा का नहीं है जो है। क्या क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? आप कह रहे रास्तों में सुरक्षा नहीं है, क्या किया जा रहा है रास्तों में? अब सर इसके लिए जो है तो किसी किसी से बात करने के बाद ही सब कुछ अपडेट आपको दे पाएंगे। नहीं तो रास्ते में क्या किया जा रहा है, कौन रोक रहा है रास्ते में, कौन लोग हैं? अब सर उसमें ये तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किन किन के लोग हैं सर, जब तक इसकी अपडेट। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किन के लोग हैं, लेकिन लोग हैं। जी जी सर, हैं तो जो चुनाव को प्रभावित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों को रोक रहे हैं। जी जी सर, जी सर, वो तस्वीरें सर हमने आपको दिया है, तस्वीरें भी हमने भेजी हैं। ठीक है, गुलशन यादव से हमारी अभी बात हुई है, स्क्रीन पर लीजिएगा डायरेक्टर साहब। तो गुलशन यादव से अभी हमारी बात हुई है, सपा से प्रत्याशी हैं, लगातार उनको फोन किया गया, उन्होंने फोन उठाया, बातचीत हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, अभी कह रहे हैं बाद में बताएंगे। तो अगर साफ बात है तो बता देनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे, तो ठीक है, बाद में देखेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार कुंडा से आ रही हैं, जहां पर पहले से ही बताया जा रहा था कि सेंसिटिव सीट है, और सेंसिटिव सीट होने के नाते कुछ भी हो सकता है, लेकिन 11 बजे के बाद से यहाँ पर लगातार जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग हैं जो चुनाव को लगातार प्रभावित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बूथ पर तो सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन रास्तों में सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से रास्तों में ही रोक कर चुनाव प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। अधिकारी लोग भी देख रहे हैं, अभी अधिकारियों से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करिए, और रास्ते में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, जो रास्ते में चुनाव को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़िए, चिन्हित करिए और बताइए कि कौन है ये लोग। अब सीधे हम अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, और सुबह से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की 7 बजे से लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया की नजर है, पल पल की जानकारी, पल पल की खबर, पल पल की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट, और किसी से कोई डर नहीं है,
इसलिए आपको बता पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सीधे आपको बता रहे हैं कि कुंडा की सबसे सेंसिटिव सीट पर जिस तरीके से वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स लगातार सुबह से खबरों को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी भी खबरें आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं और डायरेक्ट ये भी बता रहे हैं कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ के बीच क्या गड़बड़ जाला है, प्रशासन ध्यान दे, संज्ञान ले, निर्वाचन आयोग भी इसका संज्ञान ले। ऐसे हमारे साथ आज हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय कराता हूं आपका। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब है हमारे साथ, बीजेपी से हैं। स्वामीनाथ जायसवाल साहब हैं, कांग्रेस से हैं। संजीव चौधरी साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। विपिन शर्मा साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, आप सभी का। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी खिड़की में नजर आ रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मैं चलूंगा संजीव चौधरी साहब के पास, समाजवादी पार्टी। संजीव चौधरी साहब, आप आए हैं, उससे पहले एक ब्रेकिंग आई थी। ब्रेकिंग यह आई थी कि कुंडा में आपके प्रत्याशी हैं गुलशन यादव। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, फिर वहां जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजा भैया के लोग सपा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये क्या कुछ चल रहा है, आपके संज्ञान में है, क्या मैटर है सर? चलिए, इनका तो स्क्रीन फ्रेम इनका फ्रीज हो गया है। चलिए, फ्रेम फ्रीज हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम चलते हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास। भदौरिया साहब, दो तिहाई मतदान समझिए पूर्ण, आज के मतदान की स्थिति, हालांकि अभी तो बहुत पूरा दिन पड़ा है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन अभी तक जो आप सुबह से अभी तक देख पा रहे हैं, जुनून दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है आपके लोगों में, क्या समझ रहे हैं? भदौरिया साहब, आप ही से सवाल है। भदौरिया साहब को ऑडियो नहीं आ रहा, भदौरिया साहब को ऑडियो लाइए जरा। भदौरिया साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा भदौरिया साहब। हेलो जी भदौरिया साहब, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुंदर स्वच्छ स्पष्ट जी। मैं कहना चाहूंगा आपको कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल ही ये गलत है और चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो मत डालना सबका अपना अधिकार है और किसी का अधिकार कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है, वो कोई भी हो, क्योंकि मत डालना वो उसकी अपनी मर्जी है किसको देना चाहता है। मगर अगर इसको नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना कि समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने मंच से खड़े होकर राजा भैया को ही नहीं उनके परिवार वालों को गालियां दी थी, तो वो कितने अच्छे प्रत्याशी है ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। जो इंसान प्रत्याशी को परिवार को गाली देने लगे तो उसकी मनसा तो जाहिर पहले ही हो जाती है कि वो क्या नहीं क्या कह सकते हैं। तो अगर इस तरह का नैरेटिव है तो कानूनी व्यवस्था को तुरंत इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। राजा भैया आपके साथ हैं क्या सर? नहीं, साथ हो ना हो, हम न्याय की बात कह रहे हैं। हमारा साथ साथ ना हो तो क्या उसका न्याय की बात नहीं कहेंगे? अगर कोई नैरेटिव फैला रहा है तो क्या हम उसके ऊपर मुंह बंद कर ले? ठीक है, चलिए सर, ये बताइए मुझको कि सुबह से लेकर अभी तक तो हालांकि पूरा दिन बचा है अभी, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा, आप भी नजर बनाए होंगे, क्या लग रहा है, लोगों में उत्साह है आपकी पार्टी की तरफ, आज का कैसा जा रहा है आज का मतदान? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है आज का मतदान, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सूचना दे रहे हैं। मैं भी लखनऊ में ही बैठा हूँ, दूर नहीं हूँ, लखनऊ में ही हूँ और सब देख रहा हूँ यहाँ से। तो 2017 पे अगर नजर डालें तो 2017 में जो पहले के तीन चार चरण रहे थे, 2017 में जब बंपर लहर थी आपकी, तब एक चीज देखी गई थी कि आपने जो शुरुआत के जो दो तीन चार चरण हुए थे, आपका जो सक्सेस रेट था वो 80-90% तक पहुंचा था, लेकिन पहुंचते धीरे 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 जैसे पांचवें छठे सातवें चरण पर आए थे तो आपका ये सक्सेस रेट कम हो गया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ है क्या?
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं क्षेत्र में बैठा हूँ, आप स्टूडियो में बैठे हैं और मैं क्षेत्र से देख रहा हूँ, पूरी हर पोलिंग बूथ पे हमारी निगाह बनी हुई है, पूरा कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ। चुनाव हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, हर प्रत्याशी हमारा बम्पर जीत दर्ज करा रहा है। ठीक है सर, क्योंकि जिस ठीक है सर, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में जो काम किए है ना उसके ऊपर हम जनता के बीच में गए हैं। ठीक है सर, कोई फालतू बातों को लेके नहीं गए, हमने ये जो 5 साल करके दिया है उत्तर प्रदेश को एक अच्छा राज्य बनाया, एक उसको एक अच्छे राज्य का दर्जा दिलाया है, तो वो जनता ने देखा है। बिल्कुल सर, जनता पिछली सरकारों की भी जनता देखती रही कि किस तरह से गुंडा राज हुआ करता था पिछली सरकार। आपने पश्चिम में शिमला बनाने की बात कह दी, बहुत बेहतरीन है सब कुछ। चलिए, आपने कहा कि आप तो स्टूडियो से हैं, मैं लखनऊ से हूँ, नजर रखे हूँ, लेकिन हमारे संवाददाता बिल्कुल ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा ऊपरी समझने की कोशिश करूंगा कि चुनाव किस तरह चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पिछली दफा से ज्यादा इस बार लोग जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं या नहीं निकल कर आ रहे हैं, ये बताइएगा। और इसके अलावा किसी तरीके की कोई छुटपुट घटनाएं जो होती हैं वो सब कंट्रोल में है कि नहीं है, ये बताइएगा। इसके बाद फिर अन्य मेहमानों की तरफ जाएंगे। म्यूट हटा कर रखिए हिमांशु जी, पत्रकार की आवाज बुलंद होनी चाहिए, म्यूट नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो स्क्रीन पर फिर से वापस लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे 12 जिलों की जो 61 विधानसभाएं हैं उनमें किस तरीके से मतदान चल रहे हैं, तो इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं तमाम पार्टियों से, राजनीतिक विश्लेषक भी, और एक हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं, लेकिन कहीं कोई घटना होती है तो इसको लेकर वहां भी हम पहुंच रहे हैं। तो स्क्रीन पर लीजिए जरा सर, तो ठीक है, तो चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि चर्चा में आज 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं, जहां जहां मतदान है वहां पर क्या खबरें चल रही हैं, इनको आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, एक एक ब्रेकिंग भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जहां जहां मतदान है उनके साथ बातचीत करेंगे, तो मेहमानों पर लीजिए जरा, मेहमानों को लीजिए जरा। और हिमांशु जी, पहले आप कंप्लीट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज 5वां चरण है, कहीं ना कहीं 4वें चरण के मुकाबले इस बार लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है। इस समय खड़े अयोध्या के महाराजा इंटर कॉलेज में, जहां पर आप देख सकते हैं संख्या में तो मतदान करने मतदाता तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि मतदान का भी प्रतिशत दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इस समय अयोध्या विधानसभा की, यहाँ पर सुबह से ही मतदान तो हो रहा, कहीं छुटपुट ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर आई, जहां पर कुछ देर बाद मतदान को रोक करके पुनः चालू कर दिया गया है। लेकिन और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लगातार पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे में निगरानी रखे है और हर सुरक्षा व्यवस्था का कड़े इंतजाम किए गए, कोई भी घटना के लिए तुरंत संज्ञान में लगा। साथ ही साथ यूपी पुलिस के साथ साथ CRPF भी लगी हुई है, जो लगातार पूरी घटना पे चुनाव पे और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग भी सतर्क है। भयमुक्त चुनाव जिससे आसानी से हो सके, लोगों में डर के बिना ये ना हो कि किसी की दबाव में आकर मतदान करना पड़े। दबाव में कैसे आएंगे हिमांशु जी, आप और आपकी टीम लगातार सुबह से लगी हुई है, आपको शुभकामनाएं और शाम तक डटे रहिएगा, बने रहिएगा शाम तक। हिमांशु जी, शाम तक तैनात रहिएगा, शाम तक, जब तक चुनाव का आखिरी व्यक्ति भी वोट न डालाए तब तक आप और आपकी पूरी टीम रहिए ग्राउंड पर। और अब ऐसे में सीधे हम चलेंगे स्वामीनाथ जायसवाल साहब के पास। स्वामीनाथ जायसवाल जी, हर सीट पर हम बात कर रहे हैं और पहले भी जितने फेज हुए हैं तब भी बात कर रहे थे सर, एक बड़ी एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा वर्सेस सपा, तीसरे की अगर बात भी हो रही है तो मायावती जी की हो रही है, कि मायावती जी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ हुई तो, बाकी सपा और बीजेपी ही है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी साहब इतने बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, वो भी चुनाव जब बीच में जब आधा संपन्न हो गया तब आए, इससे पहले कहां थे? लोग कह रहे हैं शायद पहले आते तो और फायदा हो सकता था, और अब इस वक्त जब आज 5वां चरण है और मतलब 2/3 पूरी वोटिंग हो चुकी है, 2/3 मतदान संपन्न हो चुका है, आप अपने आप को किस स्थिति में देख रहे हैं, कहां खड़ा देख रहे हैं? और आज तो आपके गढ़ में भी चुनाव है, साख भी दांव पर है। देखिए,
राहुल गांधी जी और चार राज्यों में चुनाव था, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पांच राज्यों में चुनाव था जिसमें चार राज्यों में और कई जगह उनका, और यहाँ पर बहन प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से नारी शक्ति को ताकत देते हुए लड़की हूँ लड़ सकती के मुद्दे पर 40% महिलाओं को सीट देकर युवाओं को साथ लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोग कह रहे हैं कि आप क्या सीट देंगे, आपकी तो पोस्टर गर्ल, कोई बीजेपी में ज्वाइन हो गया, कोई इधर ज्वाइन हो गया, कोई उधर ज्वाइन हो गया। देखिए बीजेपी तो अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं करती हो तो कांग्रेस का और कई दलों को खरीद फरोख्त कर कर आप देखे होंगे पहले, आपके कैंडिडेट इतने कमजोर है कि बीजेपी ले लेती है। नहीं कमजोर नहीं है, क्या है कि बीजेपी अपने पर भरोसा नहीं करता, वो दूसरे को लेकर ही सत्ता में है। आज जिस तरह से उत्साह रहना चाहिए वोटरों का, रामनगर, बाराबंकी, जयपुर, हैदरगढ़, गोसाईगंज, प्रयागराज, औसी, बस्ती, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या, बहराइच, रायबरेली, कुंडा में चुनाव है। 61 सीटों पर 193 प्रत्याशियों का जिस तरह से ताता बाटा और उनके आज ताकत और उनके जो किए गए कार्यों का लेखा जोखा सामने आएगा, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आज प्रधानमंत्री जी मन की बात कह रहे थे, मन की बात में वो जन की बात नहीं सुन रहे थे, जिस तरह से आज जो रेडियो। अरे नहीं सर, आप अमेठी पर रहिए, आप एम्स्टरडैम मत जाइए, और जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो इधर उधर चल रहे हैं, पूरी खिड़कियों पर चल रहे हैं, विंडोज पर चल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है आज फिफ्थ फेज में पांचवें चरण में कैसा परफॉर्म कर रही है। चाह रहा हूं कि मेरी पार्टी, मेरे वोटर साइलेंट वोटर हैं और दिखेगा मेरा ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बदलाव और युवाओं के रोजगार पे लड़ाई हम लड़े हैं। विकास जिस तरह से अवरुद्ध हो गया है वहां उत्साह के साथ लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं वोटर, अपनी बहुत सही ताकत के साथ बदलाव करेंगे। और कांग्रेस एक उभरती हुई और सबसे परिपक्व 32 साल के बाद कांग्रेस एक अपना आधिपत्य के साथ उत्तर प्रदेश की सेवा करने के लिए अग्रसर। कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, उभरती हुई पार्टी आप बोल रहे हो, उभरती हुई पार्टी, चलिए ठीक है। विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन शर्मा जी, दो तिहाई मतदान कंप्लीट हो चुका है, पश्चिमांचल से शुरू होते हुए, उसकी परिधि से होते हुए अवध रीजन में आजकल चुनाव जो है वो घूम रहा है और पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो चुनाव हुआ है इसमें कई मुद्दे आए, जब पश्चिम में चुनाव हो रहा था तब वहां पर जिन्ना गन्ना ये सब मुद्दे चल रहे थे, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं चुनाव पर नजर डालें, हम जितना समझ पा रहे हैं कि सांड के मुद्दे पर चुनाव, बहुत सांड जो है एक मुद्दा दरअसल बन चुका है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ्री राशन जो है वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को भी लपक लिया है तो अखिलेश यादव ने, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाइए और 5 साल मुफ्त में राशन पाइए। तो अभी जो पांचवें फेज की वोटिंग हो रही है इसमें सर आप क्या समझ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग जो है ज्यादा निर्णायक भूमिका में है? जी आप म्यूट हटा लीजिएगा जरा विपिन जी। विपिन जी आप म्यूट हटाइएगा। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो फिक्स कराएंगे। माफी चाहूंगा आपसे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है लेकिन उसको फिक्स कराएंगे जल्दी। ठीक है, टेक्निकल टीम से कहेंगे कि बात करिएगा और ऑडियो सर का फिक्स करवाइएगा, सर को फिर से लेंगे। लेकिन उससे पहले आईसी भदौरिया साहब के पास ही चलते हैं। आईसी जी आप ये बताइएगा, आईसिंह जी आप ये बताइएगा कि आज आप देख पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आज किस मुद्दे पर जो वोटिंग है फिफ्थ फेज में, किस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसको लेकर आज जनता वोट कर रही है? बिल्कुल, मुद्दा होना चाहिए विकास, आम जन की सुरक्षा, शिक्षा, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। मुख्य तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, जिसके राष्ट्रवाद है तो हमारा देश भी है और उसके साथ हम भी है। जब राष्ट्रवाद ही नहीं अगर कोई मानेगा, उसको ठेंगा दिखाएगा, तो फिर कहां प्रदेश बचेगा, कहां जनता बचेगी। उसके बाद विकास भी होना चाहिए और उसी विकास को लेके हम जो है ना जनता के बीच में गए हैं। राष्ट्रवाद तो उनके पास नहीं, राष्ट्रवाद क्या संजीव चौधरी साहब के पास राष्ट्रवाद नहीं है सर? संजीव चौधरी साहब कहते हैं कि विकास हमारा वाला असली है, आपका वाला विकास झूठा है, हमारा वाला राष्ट्रवाद असली है, आपका वाला राष्ट्रवाद झूठा है, हम सुरक्षा असली वाली देते हैं, आपकी सुरक्षा झूठी है। नहीं, संजीव चौधरी हमारा छोटा भाई है, वो गलत नहीं है,
बहुत बढ़िया है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम कभी कभी हम साथ साथ भी बैठते हैं, खाते पीते हैं, और पीते ये मत समझ लेना खाते पीने का मतलब है चाय चाय समोसा लेते रहते हैं, दूध दही मक्खन बहुत अच्छा है, मगर उसकी उसकी बस उसकी एक ही गलती है कि वो गलत ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है, बाकी आदि वो खुद बहुत अच्छा है, गलत ट्रैक पे चल रहा है, ट्रैक उसका गलत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज तो किसी दिन भदौरिया साहब, भदौरिया साहब किसी दिन खाते पीते चाय नाश्ता करते वक्त धीरे से गमछा डाल दीजिए, टोपी उतार दीजिए। नहीं वो तो उसके लिए हरदम है ना, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो जब आना चाहेगा आ जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि जहाँ वो रह रहा है वो ट्रक पे दौड़ तो लगा रहा है, मगर उसको जो दौड़ रेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अगर वो सही जगह आएगा तो उसको बाकायदा पूरी रेस मिलेगी दौड़ने की, पूरा फील्ड मिलेगा दौड़ने के लिए, क्योंकि उस बात को तो संजीव भी समझता है, बहुत अच्छा लड़का है, कि वहां पर जिस तरह का माहौल है वहां सिर्फ यही माहौल है कि इसको गाली दे दो, ये झूठ बोल दो, इस तरह किसी तरह से सत्ता में आ जाओ, फिर बाकी बात लोगों को देखेंगे फिर के हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, एक बार सत्ता मिल जाए तो वहां की सोच तो यही है ना, जिस तरह से आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम जो है ना बिजली फ्री दे देंगे, 5 साल अनाज फ्री दे देंगे और सबको पेंशन दे देंगे, तो भैया 4 कार्यकाल आपने सत्ता में रहे हो तब कितना दे दिया, तो आपके टाइम ना तो लाइट थी उस टाइम, और लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर जो है ना उत्तर प्रदेश का दुनिया जानती है कि गुंडे भू माफिया बेकाबू हो रहे थे, सरकार वही चला रहे थे, अखिलेश की सरकार तो सिर्फ भू माफिया चलाते थे, तो ये सब चीजें है दुनिया ने देखा है। ठीक है संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, आप संजीव चौधरी साहब बोलना जरूर चाहेंगे। संजीव चौधरी जी मैं बता देता हूं भदौरिया साहब क्या कहना चाह रहे थे, भदौरिया साहब आपसे ये कहना चाह रहे थे कि वो जिम में एक होता है जिस पर दौड़ते हैं, उस पर आप दौड़ते रहिए, दिन रात दौड़ते रहिए, लेकिन वहीं दौड़ते रहेंगे, तो भदौरिया साहब कहना चाह रहे हैं कि आपको खुला मैदान देंगे और आप गलत ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, बताइए सर। देखिए सर सिंह साहब हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पारिवारिक बड़े भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, पहले ये भी समाजवादी पार्टी में ही थे, सपा का झंडा उठाए हुए थे, अच्छा, और काफी दिन और बहुत बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी में, इसलिए ये हमारे बड़े भाई और पारिवारिक भी बड़े भाई हैं, लेकिन दल और दयनीय स्थिति इनकी भारतीय जनता पार्टी की जैसे हो चुकी है वैसे ही हमारे सिंह साहब की इनकी पार्टी ने कर दी है, इनका जितना बड़ा कद है, हमारे सिंह साहब का जितना बड़ा कद है उतना मान सम्मान उस पार्टी में इनको मिला नहीं है, ये बहुत बड़े नेता हैं और मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। रहा अभी सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से हमारे भाई जी अभी बोल रहे थे कि सुरक्षा ये वो तमाम बातें, क्योंकि मेरा माफी के साथ थोड़ा मेरा नेट दिक्कत कर रहा था, मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान नहीं विश्व में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कोई झूठी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दावे पर विश्वास कैसे करें, कुछ दिखाइए, कुछ दिखा दीजिए, कुछ दिखा दीजिए, एक एक नेता कुछ दिखा तो दीजिए, दावे पर विश्वास कैसे करें सर, वो हम बताएंगे, हाँ वो हम बताएंगे। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था इनके क्या है, इनके क्या है सर, रुकिए, सबसे बड़ा इनके क्या है सर, आपके नहीं है, आप कहाँ, आप यूक्रेन के निवासी हैं क्या, नहीं अब बोलने तो दो मुझे, इनके क्या है सर, प्रधानमंत्री मत बोलिए आप, इनके नेता बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री तो दीजिए, इनके प्रधानमंत्री आप बोलेंगे तो कैसे रहेगा सर, 15 लाख रुपए कहां गए, इन्होंने कहा काला धन लाएंगे, सबसे बड़ा झूठ, इन्होंने कहा 2 करोड़ 4 करोड़ नौकरियां देंगे, विपिन जी आप ही के पास आ रहा हूँ, विपिन जी उसके बाद आप ही के पास, बात करी तमाम झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला, ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश की बोली वाली जनता को पता है, और इनका इसी वजह से उत्तर प्रदेश ने इनका खदेड़ा बचा दिया है, ये बड़े परेशान हैं, अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा करें तो करें क्या, कहां से सीटें लाएं, क्योंकि इनको जीरो पे आ चुके हैं ये, शून्य पे, आज का जो चरण हो रहा है उस चरण में तो इनका बुरा हाल हो गया है, इन्होंने सोचा थोड़ी बहुत सीटें यहां आ जाएंगी, लेकिन इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इनके नेता आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं कि ये तेरी वजह से हो रहा है, ये भैया मेरी वजह से हो रहा है,
तो इसको कहने की बात नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ाई और आपस में लड़ाई से कितना नुकसान होता है, आपस में लड़ाई से। संजीव चौधरी साहब, जिस दिन किसानों को, संजीव चौधरी साहब चर्चा कर रहे हैं, हिला के रख दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रदेश को, पूरे देश को, ठीक है, हिला के रख दिया था। संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब आपने कहा, संजीव चौधरी साहब जैसे 22 आए तो इनको भगाए यहाँ से, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनकी केंद्र में भी 23 आते आते सरकार गिर जाएगी, 23 आते आते सरकार गिर जाएगी इनकी। अरे साहब आप कहने को कुछ भी कह दीजिए, आप पर कौन सा FIR हो रही है वो छोड़िए। संजीव चौधरी साहब ये बताइए मुझको, संजीव चौधरी साहब आपने कहा कि इनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने का कितना गंभीर परिणाम होता है ये तो संजीव चौधरी साहब आपसे बेहतर कौन बता सकता है। 2017 में कहीं ना कहीं इसका बहुत भारी नुकसान आपने झेला था। लेकिन एक और बात बताइए कि आप अखिलेश यादव जी ने, जी बोलिए बोलिए, नहीं अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कुंडा में गुलशन यादव का प्रचार करते वक्त कि प्रतापगढ़ में और कुंडा में अब की बार कुंडी लगाने जा रहे हैं, और जिसका आज हम ये रिटेलिएशन देख रहे हैं कि वहां पर स्थिति जो है काफी सेंसिटिव हो चुकी है। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा जी के पास चलेंगे। विपिन शर्मा जी, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि आज फिफ्थ फेज पे आ चुके हैं, दो तिहाई जो पूरा इम्तिहान है एक तरीके से, मतदान जो है वो हो चुका है। पिछली दफा हमने देखा था कि बीजेपी शुरुआत के चरणों में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे पांचवें छठे चरण की ओर बढ़ती है तो परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है, जबकि पिछली बार तो एक प्रचंड लहर थी जो कि हम महसूस भी कर रहे थे, वोटिंग के टाइम भी महसूस कर पा रहे थे। इस बार हालांकि उतनी लहर वैसा देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चीज अहम है कि क्या बीजेपी अभी तक जैसा भी परफॉर्म किया है उसको कंटिन्यूएशन में ला पाएगी, उतना ही परफॉर्म कर पाएगी, या फिर डाउनफॉल दिखेगा पिछली बार की तरह। अगली चीज, मुद्दे जो हैं जो जिन्ना और गन्ना से शुरू हुए थे, हिंदू मुसलमान होते हुए उस पूरी परिधि से होते हुए अब जो इधर आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मुद्दा दरअसल सांड पे अटक गया है, ये जो नंदी बाबा जो आपकर सड़कों पे भी दिख जाते हैं इन पर जो अटक गया है। दूसरी तरफ राशन भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि राशन को लेकर भी अब यहाँ पर ज़्यादा बात हो रही है, और अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि हमको सरकार में लाइए और 5 साल मुफ्त राशन पाइए। आज के चुनाव की क्या आप देख पा रहे हैं सर? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, किसी को हिंदुस्तान की क्या अहमियत है, उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर पिछले चुनावों के मुकाबले 2017 में अलग स्थिति थी, तब कोरोना नहीं था, यहाँ पर अभी इस समय कोरोना भी चल रहा है, वो अलग बात है कि ये तीसरी लहर अब थम चुकी है और जो आंकड़े हैं वो भी अब बिल्कुल काबू में है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सचेत होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वो आप बात, उसको एक पहलू ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है कि जब लोग जोश में ना आए, लेकिन मुद्दे बेशुमार हैं। अगर आप महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और किसानों का आंदोलन इतने वक्त चला, उनका जो गुस्सा था वो अलग बात है कि गुरुपूर्व के पवित्र पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के वो तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया और बोला कि कहीं तपस्या में हमारी कमी रह गई होगी, जिसके कारण हम देश के अन्नदाता को ये तीनों कृषि कानून समझा नहीं पाए। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात है जो आज का 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश का जो वोटर अपने जहन में रखेगा वो है विकास। हम भले ही जितनी बातें बोल दें कि आवारा पशु की बात कर लें, हम लोग जिन्ना को याद कर लें चुनावों के समय, गन्ना किसान के भुगतान की बात कर लें, यहाँ पर विकास दिखता है। देखिए ये बड़े विश्वास से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि विकास देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या क्या मुख्यमंत्री योगी ने काम करे हैं। आप राम मंदिर को भूल जाइए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था और जो भी फैसला वो आता उसको हम सर माथे लेते और यही अपेक्षा करी जाती है कि आपके न्यायपालिका जो फैसला देगी। अच्छा डिबेट में एक सेकंड के लिए रोकूंगा सर आपको, एक सेकंड के लिए रोकूंगा सर आपको। डिबेट में भदौरिया साहब एक बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे, हिमांशु भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से भी हमारे साथ ही है, आपने जैसे ही बोला कि विकास तो हुआ है, भदौरिया साहब ऐसे ऐसे कर ही रहे थे मुस्कुराकर, तब तक आपने बोल दिया राम मंदिर का मसला भी है लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। भदौरिया साहब वहीं रुक गए, ये तो ठीक नहीं है, हमने भी बहुत मेहनत की, उसमें तो कोई श्रेय नहीं मिलता।
नहीं, मैं अपने विचार पूरे करूंगा। आप ये नैरेटिव ना फैलाएं, मैं शर्मा जी के ऊपर प्रश्न कभी नहीं लगाता हूं। नहीं, वो बहुत बढ़िया बात रखते हैं। मजाक में चलिए ठीक है विपिन जी। नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी के ऊपर प्रश्न लगाना कोई मतलब ही नहीं। शर्मा जी बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, ईज ऑफ लिविंग की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, लोगों को विकास चाहिए। मैं अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, एक बात बोलना चाहूंगा। हम लोग आजकल एक ट्रेंड सा बन गया, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। असल मायने में कि अगर आप दिल्ली की बात करें, जो विकास के कार्य हुए वो 1998 से लेकर 2013 के दौर में हुए, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, उनकी सरकार थी, तो वहां पर और जितने भी दिल्ली में काम हुए, आज हम भले ही बड़े बड़े दावे कर दें, हकीकत यह है कि वो श्रेय लेने के लिए तो सारे नेता आगे आ जाते हैं, होड़ में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ दिया जाता है। लेकिन शीला दीक्षित एक ऐसी नेता थी जो विफलता भी होती थी तो उसके लिए जिम्मेदारी लेती थी, और यही अपेक्षा करी जाती है, एक आम आदमी ये अपेक्षा करता है। और वो दौर चला गया जब सड़क बिजली पानी मुद्दा हुआ करते थे राज्य चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में। अब लोगों की उम्मीदें और बढ़ी हैं, वो अपेक्षा करते हैं कि नेता चुनावी मैदान में जब उतरे तो ये आश्वस्त करें कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और स्वास्थ्य का स्तर। अभी हमने कोरोना में देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करी, सबसे पहले कोटा से बच्चों को बुलाया। ये लोग भूलते नहीं है, बच्चे सबकी आंखों के तारे हैं, और ये ऐसी ऐसी बातें अगर नेता करें तो वो बिल्कुल वो जहन में रखते हैं, उसको बुलाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर पहले खौफ हुआ करता था, जो बात बिहार में हुआ करती थी, 5 बजे 6 बजे के बाद निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नकेल कसी गई है, और जितने ये दुर्दांत अपराधी थे और जिनका एक खौफ हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे कुंडा में, कि यहाँ पर गुलशन यादव पे हमला हुआ और ऐसे कोशिश करी गई कि वहां पर उनके समर्थकों को जाने ना दिया जाए, तो ये बहुत ही दुखद है। 21वीं सदी में अगर ये होता है तो अपने आप में सवाल निशान लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। हम लोग आज जो 61 सीटों पे चुनाव है, वो यहाँ पर मैं बड़े विश्वास से एक बात बोलना चाहूंगा, न्यूट्रल हो गया। जो पहले हम मुद्दे बात बोलते थे कि ये यादव बेल्ट है, ये जाट लैंड है, ये मुस्लिम बेल्ट है, यहाँ पर अब न्यूट्रल। अब जैसे जैसे ये छठे चरण में जाएगा, सातवें चरण में जाएगा, तो वो न्यूट्रल यहाँ पर। और ये समझ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वहां पर सीधी टक्कर किसकी थी? टीएमसी की और भाजपा की। वही हाल उत्तर प्रदेश में है कि यहाँ पर भाजपा और सपा की टक्कर है, कहने को बसपा भी है, कांग्रेस भी है, और लेकिन वो कहाँ है मैदान में, कहाँ है? वो तो बिल्कुल साफ है। इससे अगर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछूं कि इस समय क्यों नहीं दमखम से ये लोग निकले हुए, ये बहन प्रियंका वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित बात है वो दिखती है, लेकिन जो अपेक्षा करी जाती है, कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये वॉकओवर देना चाहते हैं सपा को? विपिन जी उन्होंने शुरुआती कमेंट में, शुरुआती रिमार्क में उन्होंने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उभर रही है, तो कांग्रेस जब उभर रही है तो फिर अगला सवाल क्या ही किया जाए? तो ये तो वही बात हुई, बस इसी का उत्तर दूंगा मैं, कि अगर पंजाब में भाजपा बोले कि अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं, ये तो वही बात हुई कि कांग्रेस अगर दावा करे कि हम उत्तर प्रदेश में हम लोग बिल्कुल हमारे को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी आपको आवाज आ रही है? स्वामीनाथ जी, मैं देखिए अभी जब से यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध शुरू हुआ, तब से हम सभी सोच रहे थे, हम पत्रकार बिरादरी के लोग, कि किस तरीके से ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, ये उत्तर प्रदेश चुनावों में कैसे एंट्री पाएगा, उत्तर प्रदेश चुनावों में घुसेगा, किस राह घुसेगा, राष्ट्रवाद की बात करता हुआ घुसेगा या कैसे घुसेगा, या मजबूत प्रधानमंत्री, कितने मजबूत नेता हैं, बीजेपी कितनी मजबूत है, इसको लेकर घुसेगा, या फिर ये नैरेटिव ऐसे घुसेगा कि अगर ऐसी स्थिति हमारे देश के साथ हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ठीक रहेंगे या फिर राहुल गांधी ठीक रहेंगे, इस नैरेटिव के साथ घुसेगा। लेकिन एक चीज, एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन ये बता किस रास्ते से घुसा है? ये घुसा है कि देखिए जब ऐसी स्थिति आई तो हमारे देश के लोगों को किस तरीके से वापस बुलाया जा रहा है, हमारे देश के लोगों का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका ने भी मना कर दिया है, अमेरिका ने कहा है कि लोग अपने आप आइए, जल्दी जल्दी आइए, लेकिन भारत में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दरअसल अपने लोगों को किस तरीके से बुला रही है, किस तरीके से इवैक्यूएट कर रही है, जल्दी जल्दी ला रही है, सबकी सेफ्टी का पूरा इंश्योर कर रही है, सबकी सेफ्टी को।
सर आप तो यहां भी मुझे लग रहा है कि पीछे हट गए, पीछे रह गए, मतलब पीछे नहीं रह गए, आप जान नहीं रहे हैं यूक्रेन में जो बंकरों में हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए खाने के लिए परेशान है और निरंतर बात करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, आपको टोकना नहीं चाहता था स्वामीनाथ जी नहीं मैं इसको स्वामीनाथ जी मैं टोकना नहीं चाह रहा था लेकिन स्वामीनाथ जी आपने बंकरों का जिक्र कर दिया। परसों बरेली के कुछ छात्र थे जो बंकर में थे, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, हमने अपने कार्यक्रम में उनको दिखाया भी था और कल के बाद वो फ्लाइट से इंडिया वापस भी आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तो आप वापस भी आ रहे हैं। 200 छात्र आए हैं, वहाँ 20,000 छात्र फंसे हैं भाई साहब। तो और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा बात। आज जैसे मन की बात प्रधानमंत्री जी मूर्ति लाने की बात कह रहे थे, एक बार यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों की बात नहीं कही, मूर्ति लाए, दो जैसे दो सिंगरों का बात किए वहां के फेसबुक पर, तंजानिया के सिंगरों का नाम ले रहे थे, किली और नीली का, और देश में जिस तरह से जिस छात्र आज 20,000 फंसे हैं, अपना गुहार लगा रहे हैं, वहां उनको जिस तरह से बंकर उड़ा में घुसकर छिपे किसी तरह रास्ते बॉर्डर तक आ गए, बीपी न्यूज पर देखा कि लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर तक आकर वहां कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी, कई लोगों के पास पैसा भी नहीं है और टिकट के लिए वहां बच्चों के पास। सर आप इतनी बातें बोल ही रहे हैं, वहां ट्विटर पर पीयूष गोयल साहब वेलकम कर रहे हैं, उनका वीडियो तैर रहा है। देखिए मैं भी देख रहा हूं, मैं निरंतर देख रहा हूं, वो आश्वस्त कर रहे हैं बच्चों को और बोल रहे हैं कि आप आगे भी मनोबल बढ़ाइए, जितने बच्चे बाकी फंसे हुए हैं। ये तो बोलना थोड़ा मुझे लगता ही है, मन की बात में उन पर चर्चा होनी चाहिए, आपकी सरकार होती चाहे मोदी सरकार है, कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सरकार ये कसर छोड़ेगी नहीं बच्चों को वापस बुलाने के लिए, वो अपने प्रयास जारी है। चलिए ठीक है स्वामी, वही बात बोल रहा हूँ, उसी के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, गलती क्योंकि कांग्रेस को तो झूठ बोलना है, हर बात पर नैरेटिव फैलाना है, इनकी गलती नहीं है, ये तो कांग्रेस का ये तो सिद्धांत है, कांग्रेस की यही सोच है, क्योंकि अब इनके पास बचा तो कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास बचा कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो झूठ ही बोलेंगे, नैरेटिव फैलाएंगे, जो फैला रहे हैं। रोजगार मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ एक बार भी, रोजगार उत्तर प्रदेश के चुनाव कांग्रेस आज कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस कहाँ है, प्रियंका गांधी कह रही थी कि लड़की है लड़ सकते हैं, आज कहाँ लड़ रही है, कहीं लड़ रही है, चढ़ाने की बात नहीं कही गई, बात लाइन एंड ऑर्डर की करते हैं, राहुल गांधी कहाँ है, उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई नहीं दिए, जिस तरह से किस राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गांधी के यहाँ चले गए क्या, और भारतीय जनता पार्टी मुझे तो लगता है राहुल गांधी नानी के यहाँ चले गए, शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई नहीं दिए, कोशिश किए लेकिन जनता सिरे से नकार दिया इस बार, बिल्कुल बिल्कुल खोजते हुए। लेकिन सर स्वामीनाथ जी ठीक है भदौरिया साहब यहाँ पर रुकेंगे, भदौरिया साहब सर पीछे ही दौड़ लगा रहे हैं, कैप्टन साहब आप तो बहुत डिसिप्लिन है कैप्टन साहब, थोड़ा सा रुकेंगे स्वामीनाथ जी आप रुकेंगे, समय की पाबंदियां हैं, तो सारे लोग बोलने लग रहे हैं, मेरे को बोलने का भाई इतना दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दूसरे प्रवक्ता को बोलने का अधिकार भी नहीं लोग छीनना चाहते हैं, क्योंकि इनको अहंकार और जिस तरह से झूठ परोसा देश को, जिस तरह से 15,00,000 खाते 2,00,00,000 नौकरी यहाँ पर जुमला दे रहा है कि ठीक है चलिए ठीक है यहाँ रुकेंगे, ठीक है स्वामीनाथ जी अब एक बात बताइए स्वामीनाथ जी आप पर काउंटर इसलिए हो जाता है, स्वामीनाथ जी का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, अब समय की भी कमी है, स्वामीनाथ जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, पद से पैदल चले, ठीक है स्वामीनाथ जी समस्या देखिए ये है दरअसल, ठीक है अनम्यूट कर दीजिए स्वामीनाथ जी, समस्या दरअसल ये है कि बीजेपी आपको यहाँ पर क्यों टोक पाती है, क्यों सवाल खड़े कर पाती है, आप उनको मौका देते हैं, बीजेपी के एक एक बड़े बड़े नेता मैं तो बात कर रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब की भी, कहीं चुनाव होता है हर विधानसभा में खुद पहुँच जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए खुद जाते हैं आगे आगे,
लेकिन लोग कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा चुनाव खत्म होने को है, राहुल गांधी साहब नजर ही नहीं आए, अब जाकर नजर आए हैं, अभी तक कहां थे राहुल गांधी साहब? तो आपकी पार्टी के यहां गए थे, नानी के यहां, नानी के यहां थे, सवाल हो जाता है। चलिए ठीक है, नहीं अब आप तो आए थे ना चर्बी गर्मी निकालने के लिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बौखलाहट में आज जिस भाषाओं का प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री कहना गलत बात है, प्रचार मंत्री जिस तरह से अपने मनगढ़ंत कहानियों से देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो देश देख रहा है। प्रधानमंत्री अपने योग्यता को भूल चुके हैं, प्रचार मंत्री भाजपा कांग्रेस की गुलामी, प्रधानमंत्री को लेकर डिबेट नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कैसे हैं, प्रधानमंत्री कैसे नहीं है, इसको लेकर चर्चा नहीं है, इसको लेकर चर्चा नहीं, उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर चर्चा है। सीधे हिमांशु जी गुलामी दिमाग से निकाल दो, बहुत दिन कांग्रेस के गुलाम रह लिए, हम तो दिमाग से निकाल दो, भाजपा के चाटुकारता और चप्पल चाटने वाला नियत से जिस, अरे ठीक है, चलिए चलिए म्यूट करिए, म्यूट करिए, नहीं 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 नहीं, शब्दों को जयसवाल साहब इतने सम्मानित व्यक्ति हैं आप, शब्दों का भी थोड़ा सा मोल रखिए आप लोग। ठीक है हिमांशु जी, अब यहाँ पर अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम वापस लौटेंगे, लेकिन हिमांशु जी उससे पहले आपसे जानते हुए जाएंगे कि अभी फिलहाल अपडेट क्या चल रहा है, अभी जहां पर आप मौजूद हैं लखनऊ से लगातार आप भी नजर बनाए हैं, टीम का एक एक अपडेट आप तक पहुंच रहा है, हिमांशु जी क्या अपडेट आ रहा है, चुनाव किस तरीके से आगे तैर रहा है? बिल्कुल, चुनाव में देखा जाए समय लगभग समय एक बज चुका है और ठीक ठाक प्रतिशत में मतदान भी हो चुका है, मतदान भी हो रहा है और लगातार हमारे पीछे आप देख सकते हैं मतदान के लिए लोग भी लगातार आते चले आ रहे हैं, मतदाता अपने अपने मतदान के लिए अपने अपने मतदान कक्ष में मतदान करने के लिए आ चुके हैं, हमारे साथ कुछ मतदाता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप आज मतदान कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ उनसे भी फटाफट पूछेगा सर, फटाफट पूछेगा फिर फटाफट चलाएंगे आपको स्क्रीन पर खबरें। मैम क्या नाम है आपका? आशा केशरवानी। आज आप किस मुद्दे को लेकर के मतदान करने आई? मुद्दा अयोध्या का विकास, अयोध्या का विकास है मुद्दा, मेन मुद्दा तो यही अयोध्या का है। अगर विकास की बात की जाए तो मुख्य मार्ग पर सभी लगभग विकास हो चुका है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास अभी नहीं हुआ है सर, जैसे कि जैसे अपना कोई गार्जियन होता है अपना घर बनाने के लिए उसको टाइम लगता है, वैसे प्रधानमंत्री भी योगी जी भी है घर के गार्जियन रहते हैं, अपने घर को देखने में तुरंत तुरंत तुरंत। अच्छा ये जो मौजूदा सरकार है क्या आप उसके कार्यों से खुश हैं या इस बार आप सरकार को परिवर्तन देखना चाहती हैं? बिल्कुल सर, उनके कार्यों से खुश हैं तो बिल्कुल। चलिए ठीक है, बस बता दिए कि इन्होंने इस, ठीक है हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी, समय की पाबंदी है यहाँ पर रुकेंगे, जाते जाते आपने एक से बात की और भदौरिया साहब को और प्रसन्न करके, और अब वक्त हो चुका है फटाफट खबरों का, फटाफट खबरें चला दीजिए डायरेक्टर साहब, इसके बाद ब्रेक लेंगे और वापस लौटेंगे, फटाफट चलाइए सर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञानदास निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया, वहीं उनके साथ मौजूद सभी संतों ने भी मतदान किया है। प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पांचवें चरण में अपना वोट डाला, इस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हम 70% मतदाताओं के मतदान की उम्मीद कर रहे हैं, इसे बड़ी जीत हासिल होगी। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और उनके परिवार ने प्रयागराज में साईं बाबा मंदिर में पूजा की, बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिस पर आज मतदान हो रहा है। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी पहुंचे, वहीं सवर्ण समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर कांग्रेस प्रत्याशी को अपशब्द कहे, इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के बूबूपुर में मतदान के बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों के बीच गाली गलौज के साथ ही जमकर हुई हाथापाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। At GLA University, we make